एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज कुछ स्पेशल होने वाला है। स्पेशल ये है कि आज मेरे ऑफिस में ईस्टर का लंच है, सो उसके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ाज एंड आलू एंड प्याज का पकौड़ा। वो क्यों? क्योंकि मैंने थोड़े वीक्स पहले एक स्पिनच एंड गोभी का पकौड़ा उनको टेस्ट करवाया था एंड दे जस्ट लव्ड इट। एंड वो लोगों ने अपने घर में भी बनाया। मेजॉरिटी ऑफ माई कलीग्स जर्मनी, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, फ्रॉम नेदरलैंड्स, सो दे आर ऑल लाइक फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो दे आर सो एक्साइटेड दैट आई एम ब्रिंगिंग इंडियन फूड एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। सो ये बन रहे हैं प्याज के पकौड़े। ये आलू और प्याज के रेडी हैं जो मैंने अलग अलग आलू के बनाए हैं, अलग प्याज के बनाए हैं, और मैं ब्रेड के बना रही हूँ स्टफ़ करके, आलू बॉयल्ड मैश्ड करके। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड अब मैं इसकी ना फिलिंग कर लूँगी अच्छे से। करने लगी हूँ लहसुन कूटने लगी हूँ, बिकॉज ये मैं हमेशा डालती हूँ अपने ब्रेड पकौड़ा में। लहसुन एंड हींग इज द की इंग्रेडिएंट एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये डाल के अपने ब्रेड पकौड़ाज बनाओगे तो इतने टेस्टी बनते हैं ना, यू विल लव दैट। तो बस उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया बेसन में, और नमक डाला है, हींग डाली है एंड अजवाइन डाली है थोड़ी सी। तो मैं ज़्यादा कुछ स्पाइसेस और कुछ नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज़ ये लोग बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं खाते हैं। जो हम लोग जैसे इंडियन लोग बहुत स्पाइसेस खाते हैं, ये लोग बिल्कुल भी, लाइक ब्लैक पेपर तक अगर डालना हो तो यू नो दे फील वेरी स्पाइसी दैट ऑल्सो। सो बहुत ही माइल्ड बना रही हूँ मैं इस बार। एंड यस, उसके बाद बस हम उसको कोट कर लेंगे ब्रेड को एज यू नो, एंड देन फ्राई करेंगे एंड ब्रेड पकौड़ाज आर रेडी। हाँ जी, तो ये मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, तो आप इतना जल्दी जल्दी मत करना क्योंकि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है फ्राई करते हुए। मेरे को अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, सो मैं ये कर रही हूँ आराम से, ठीक है, ध्यान से करना है इसको। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बस इतने क्रिस्पी होने चाहिए। सी, परफेक्ट कलर ऐसा ही आना चाहिए। एंड बस अब इसको टेस्ट करके देखना है मुझे। बस अब मैं ये पैकिंग करने लगी हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई बड़ा बॉक्स नहीं था एंड मैंने सोचा था कि मैं एक दिन पहले ना बाय कर लूँगी बड़ा बॉक्स, ताकि एक ही बॉक्स में सब आ जाए, बट मेरे को टाइम ही नहीं लगा। तो अब जो मेरे पास घर पे पड़ा था ना, मैंने वही उसी में डाल लिए। तो मेरे 5 डब्बे पैक हुए थे पकौड़ों के। एंड बस फिर ये बस पैकिंग कर रही हूँ क्विकली मैं इसको लेके जाने के लिए। और मैं ऑफिस फिर लेट ही गई थी आज, मतलब सेकेंड हाफ में ही पहुंची थी। तो और हाँ, ये ना मैं इसको काट रही हूँ ताकि ना ज़्यादा पकौड़े दिखें। एक्चुअली मैंने पूरी ब्रेड के बनाए थे, बट स्टिल आप मानोगे नहीं, जब मैं वहाँ पे खाने लगे थे ना सारे, एक पकौड़ा नहीं मिला मुझे खाने के लिए वहाँ पे। जो मैंने घर पे टेस्ट करा था ना, सिर्फ वही खा पाई मैं। तो आ गई हूँ मैं ऑफिस एंड ये रहा ईस्टर लंच टेबल। बेसिकली इट वॉज़ अ सक्सेस एंड आई एम सो हैप्पी कि उनको अच्छा लगा। मैं एक्चुअली ना कल ही वीडियो डालना था, बट कुछ सीन हो गया था और मैं वीडियो सब एडिट कर लिया था, सब कर लिया था, बट मैं डाल नहीं पाई। मैंने आई होप आपको अच्छी लगेगी। ईस्टर लंच अच्छा था, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था विद यू नो नॉन इंडियन फ्रेंड्स, नॉन इंडियन कलीग्स। अब मैं जहाँ पे हूँ, दे आर इट्स अ टिपिकल डच कंपनी एंड अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, उनके न्यू टेस्ट, तो काफ़ी चीज़ें न्यू बना के लेके आए थे। कुछ कुछ चीज़ें मैंने भी ट्राई करी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी एंड आई हैव ऑलरेडी आस्क फॉर दैट रेसिपी एज वेल, बिकॉज वाई नॉट टू ट्राई दैट, राइट? सो यस, मुझे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
उन सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था पकोड़े खा के, तो उनको चटनी बहुत अच्छी लगी मेरी। वो सब सारे जने बोल रहे थे मुझे कि यह चटनी की रेसिपी देना, इनफैक्ट वो लोग बोल रहे थे शेयर पॉइंट बना देंगे उसमें डाल देना। तो मैंने दे दी है ऑलरेडी, तो बस देन देयर लाइक कि हम बनाएंगे वीकेंड पे। सो या आई मीन मुझे इतनी खुशी इसलिए हो रही है बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी के लिए खाना बनाया है। मैंने पहले भी नॉन इंडियन फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए खाना बनाया है, बट इट्स लाइक एक या दो बंदे के लिए बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड जब तुम एक यू नो 10-12 बंदों के लिए खाना बना के लेके जाते हो, देन यू गेट टू नो एंड तुम फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हो उनके लिए, एंड बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने कभी ट्राई भी नहीं करा हो, है ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट लकीली सब कुछ अच्छा गया एंड दे रियली लाइक इट। सो आई होप दे ऑलरेडी आस्क्ड मी, अभी हमारा मई में एक्चुअली फिर से लंच है, तो उन्होंने मुझे फिर से बोला है कि तुम कुछ तो स्नैक्स बना के लेके आना ऐसे ही। दिस वॉज ऑल एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैं जितना कैप्चर कर पाई ना कल भी मैंने उतना करा, एंड बस मैंने एंडिंग नहीं ली थी, सो आई थॉट कि मैं क्विकली से एंडिंग ले लेती हूँ ताकि मैं ब्लॉग डाल पाऊँ। And yeah, so thank you for watching and please do share, love and like and subscribe to the channel and show some big love. Thank you, bye bye.